और इस मुसीबत की घड़ी में काला बाजारी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। 300 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर 50 से 60 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। महामारी के बीच मजबूर लोगों को लूटने वाले ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश जयपुर में हुआ। जयपुर पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी और काला बाजारी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर की शिप्रापत पुलिस के हाथ लगा ये वही शख्स है जो कोरोना मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी जेबें भर रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने गोपालपुरा बाईपास स्थित विश्वेश्वरैया नगर निवासी रामलाल के गोदाम में छापा मारा तो यहां पर ऑक्सीजन के भरे हुए 28 सिलेंडर बरामद हुए। गोदाम में 24 बड़े और 4 छोटे सिलेंडर थे जिन्हें वो अस्पतालों के बाहर परेशान मरीज और उनके परिजनों से 50 से 60 हजार रुपए में बेच रहा था। हमारे पास मुखबिर से इतला आई थी कि हमारे शिप्रापत थाना क्षेत्र एरिया के अंदर त्रिवेणी नगर के अंदर कोई व्यक्ति है जो कि महंगे दामों पर ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है और उसने अपने घर के ऊपर सिलेंडर्स का स्टॉक कर रखा है। इन्फॉर्मेशन पे हम लोगों ने उसको वेरीफाई किया और ये पता चला कि जो सिलेंडर गवर्नमेंट से जो 202 की रेट के अंदर फिक्स है, जो मैक्सिमम 350-400 रुपए तक के अंदर हॉस्पिटल्स को अवेलेबल हैं, उनको हजारों में बेचा जा रहा है। पुलिस की माने तो आरोपी रामलाल इमली फाटक के अंकित गैस एजेंसी में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता था। आरोपी ने कबूल किया कि वो 6 दिन पहले सीतापुर की एक ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी से इस सिलेंडर को लेकर आया था। नियम के मुताबिक उसे इन सिलेंडर्स को अस्पताल में सप्लाई करना था, लेकिन ये सिलेंडर कभी अस्पताल तक पहुँचे ही नहीं और कई अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन के बिना ही दम तोड़ते रहे। जो आरोपी ने बताया ये कि सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में प्योरासेप करके एक जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री है, वहाँ से इन्होंने हॉस्पिटल्स की सप्लाई करने के लिए इन्होंने लिया था। ये जो इमली वाला फाटक है वहाँ पर अंकित गैस एजेंसी है जो कि सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर है उसका। ये जो आरोपी जो जिसको गिरफ्तार किया गया ये उसका सप्लायर है जो कि फैक्ट्री से माल उठाता है और फिर हॉस्पिटल्स में सप्लाई करता है। इस व्यक्ति ने 4-5 दिन पहले ये सिलेंडर फैक्ट्री से उठाए और न तो संबंधित हॉस्पिटल तक पहुंचाया और इसने अपने घर पर रख करके और उनकी ब्लैक मार्केटिंग की है। पुलिस ने आरोपी से जब्त किए सिलेंडरों को उन अस्पतालों में भेज दिया जहां मरीजों को तत्काल ऑक्सीजन की जरूरत थी। पुलिस अब आरोपी से ये जानकारी जुटा रही है कि आखिर उसने कितने लोगों को सिलेंडर बेचे हैं और इस गोरख धंधे में कितने लोग शामिल हैं। अभी जो ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसको देखते हुए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अभी बहुत से लोगों की जीवन दहिनी बन सकती है, ऐसे अंदर उच्च अधिकारियों ने निर्देश फरमाए कि जो सिलेंडर हैं ये जो मरीज हैं जिनको कि ये सिलेंडर तत्काल प्रभाव से ऑक्सीजन दे दी जाए, यहाँ थाने में पड़ी रहे उसकी बजाय ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें एजेंसी का क्या रोल है या फैक्ट्री के किन लोगों की मिलीभगत रही है उस इशू पर भी आज इन्वेस्टिगेशन आगे की जाएगी। इससे पहले इसी थाने की कार्रवाई में ये भी खुलासा हुआ कि कुछ लोग घर घर जाकर कोरोना जांच के लिए सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें मशहूर अस्पतालों के नाम पर फर्जी रिपोर्ट जारी कर पैसे बना रहे हैं। साफ है कि कुछ लोग महामारी के इस दौर में इंसानियत को भूल बैठे हैं, आपदा में अफसर तलाश रहे हैं। KJ श्रीवास्तव, जयपुर, न्यूज 24।